मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम सेलियोडॉक्सिम ड्राई सस्पेंशन का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस सेलियोडॉक्सिम ड्राई सस्पेंशन के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सामने आपको ये व्हाइट कलर का कागज़ का कार्टन दिख रहा है जिसमें सेलियोडॉक्सिम ड्राई सस्पेंशन है जो कि 30 ml का इसमें बॉटल है और इसके कंपनी पे हम गौर करेंगे। देखिए सेल्यूड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है और कंपोजिशन पे भी नज़र डालेंगे। इसमें देखिए इसमें एच 5 ml कैंटेंस दिया हुआ है, सेबोडॉक्सिम प्रोक्सटिल 50 mg। और कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि अच्छी तरह से हिलाने के बाद ही इस्तेमाल करें। और इस पर एक वार्निंग दी गई है कंपनी द्वारा, उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए ये शेड्यूल एच ड्रग है, इसे आप बिना डॉक्टर के पर्ची के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए इसमें रखा हुआ सिरप, जो सिरप का बॉटल है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लास्टिक का बॉटल है, ना टूटने का डर ना फूटने का डर, इजी टू यूज़ के लिए है। और इसमें पाउडर रहता है, फिलहाल मैंने इसमें डिस्टिल वाटर यानी कि वाटर डाल के इसको बना रखा है। और चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं, सेलियोडॉक्सिम ड्राई सस्पेंशन के बारे में। देखिए ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के एंटीबायोटिक है और किसी भी एंटीबायोटिक का काम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में होता है। और देखिए ये फॉर पेडियाट्रिक यूज़ ओनली है, यानी कि छोटे बच्चों में चलता है, यानी कि जो बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं और 4 साल से नीचे के बच्चों में के बीच में बच्चों को चलता है। और इसका इस्तेमाल जैसे कि है, अगर मान लीजिए कि बच्चों को वायरल फीवर हो जाए तब भी इस्तेमाल है, या टाइफाइड के फीवर हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल है, या उन्हें स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है जैसे कि फोड़ा फुंसी या कोई घाव या कोई चोट वगैरह है जिसके घाव सूख नहीं रहे, तो उनके घावों को सुखाने में भी सेलियोडॉक्सिम का रिस्पॉन्स एक्सेलेंट है। यानी कि ये स्किन से संबंधित समस्या हो गया। और ये देखिए ये UTI यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी काम करता है, यानी कि बच्चों के अगर मूत्र संक्रमण वगैरह हो जाते हैं तो उन कंडीशन में भी बच्चों को दिया जाता है। और RTI इन्फेक्शन यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, यानी कि श्वास से संबंधित अगर कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है जैसे कि मौसम चेंज होने की वजह से खांसी वगैरह आना, कफ निकलना, या टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाना, या निमोनिया की शिकायत हो जाना, या अस्थमा की शिकायत हो जाना, तो उन कंडीशन में ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के ऊपर। और OTITIS मीडिया यानी कि बच्चों की अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है जैसे कान में फोड़ा फुंसी, कोई घाव, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उन इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए सेलियोडॉक्सिम ड्राई सस्पेंशन का इस्तेमाल एक्सेलेंट है। और वैसे तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग डॉक्टर, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खांसी वगैरह आ रही है आपके बच्चे को और आपने कई अच्छी खांसी का सिरप दे दिए बट कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उन कंडीशन में डॉक्टर लोग इस सेलियोडॉक्सिम सिरप को जोड़ते हैं खांसी वाले सिरप के साथ। और मैंने बताया कि ये टाइफाइड के फीवर हो यानी कि किसी तरह का फीवर हो उसको दूर करने में एक्सलेंट इसका रिजल्ट है। इसके डोज के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो डोज है, अगर 3 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, देखिए बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कभी कभी बच्चों को देने पर एलर्जी की शिकायत हो जाती है, या लाल लाल चकत्ते उभर आते हैं, या पूरे शरीर पर खुजलाहट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, या पेट में दर्द, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ही कॉमन हैं और इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।